दो लेक्स हमारे जा चुके हैं और ये है हमारा थर्ड लेक्चर चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले तो गाइज अगर पिछले लेक्चर्स की बात की जाए जिसमें की हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैलवेनिक सेल मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल के बारे में बात की थी अब हम बात कर चुके हैं नर्स के बारे में इसके इक्वरम कांस्टेंट के बारे में और साथ में मेजरमेंट्स के बारे में गाइस अब के लेक्चर में यानी अभी जो हमारा लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आइनिक सोल्यूशन वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद्रेशन तो इन कुछ टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए अब गाइज नेक्स्ट की बात करें तो आने वाले सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं तो गाइज आने वाले सेशन में इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोलिस इट्स प्रोडक्ट बैटरीज एंड फ्यूल्स और साथ में जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे गाइस अगर बात करें अभी के सेशन के, तो की की तो चलिए पहली स्लाइड तरफ चलते हैं सबसे पहले है हमारा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक्स सोल्यूशन क्या मतलब निकलता है इस वर्ड से क्या मतलब निकलता है एक बार मैं पीछे कर देती हूँ और आप टेन सेकेंड के लिए सोचिए और मुझे बताइए कि क्या मतलब निकलता है आपके कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलेटिक सोल्यूशन के नाम से देखो गाइज अगर हम बात करें कंडक्टेंस की या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना अभी तक हम पढ़ते आए थे कि जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो कंडक्टेंस होता है अब मैं दूसरा सेंटेंस बोल रही हूं किसी भी आयन का चाहे वो कोई भी आयन हो किसी भी आयनिक फॉर्म का जब या फिर आयनिक स्पीसीज का जब फ्लो होता है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या फिर तब आपका कंडक्टेंस देखने को मिलता है अब चलिए हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जब आपके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर आयंस मूव uh, करते हैं तो साथ में कंडक्टेंस होता है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी देखने को मिलता है अब गाइस हम लोग अपनी स्लाइड को समझते हैं द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल आर जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है उसे हम आर सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये है अपन का आर एंड इट इज मेजर्ड बाय ओम और इसको हम ओम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है ओम इन विच टर्म ऑफ एस बेस यूनिट अगर हम एस आई यूनिट की बात करें तो गाइज ये आपके किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सीमेंस इन्वर्स क्यूब ए या फिर एरिया uh, कह सकते हो ए इन्वर्स स्क्वायर के इक्वल होता है ठीक है इट कैन बी मीजर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज ये हमारा किससे मेज़र किया जा सकता है गाइज व्हीट स्टोन ब्रिज की हेल्प से हम इसे मेज़र कर सकते हैं ये देखो मैंने आपके लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का पिक्चर लगाया है ये होता है हमारा ब्रीज वीट स्टोन ब्रिज जिसमें आपके रजिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री आपस में बैलेंस्ड होते हैं और ये हमारा पूरा बैलेंस्ड व्हीट इस्टोन ब्रिज कहलाता है जिसके बारे में हम लोगों ने डीपली क्लास इलेवेन्थ ट्वेल्थ की फिजिक्स uh, में पढ़ा है राइट right? तो वही फिजिक्स का व्हीट स्टोन ब्रिज हम लोग यहाँ पर यूज uh, करने वाले हैं चलिए गाइस देखते हैं क्या है ये आपका वीट स्टोन सोल्यूशन रिएक्शन और या फिर आपका क्या कैसे ये रेजिस्टेंस को बैलेंस uh, कर रहा है या फिर किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे इसके बारे में भी समझेंगे फिलहाल वो था सिर्फ पिक्चर आगे न, आने वाली स्लाइड में हम वीट स्टोन के बारे में डिस्क्रिप्टिव बातें करेंगे द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो यह आपके किसी भी सब्सटेंस के लिए जो आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो आप क्या लिख सकते हो गाइज अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो आप एक कॉन्स्टेंट लगाओगे रो क्या बोलोगे इसको रो ठीक है रो लगाओगे और गाइज ये आपका क्या है ये आपका जब आप इस इनवर्सली प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे तो ये आपका एक कांस्टेंट है तो आर की वैल्यू हो जाएगी आर इज टू रो एल ओवर ए यानी कि रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा रो एल ओवर ए के इक्वल होगा नेक्स्ट देखो द कांस्टेंट इज प्रोपोशन द कांस्टेंट ऑफ प्रोफोशनैलिटी रो रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी क्या कहलाएगी इसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं यानी रो जो आपका होता है ये आपका होता है रेजिस्टिविटी जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्लियर नेक्स्ट देखो गाइस इट्स एसआई यूनिट आर ओम ओम मीटर, मीटर इसकी इसकी यूनिट यूनिट क्या है? है. मतलब जो हमारी इसकी यूनिट है, वो ओम मीटर हो सकती है ओम सेंटीमीटर हो सकती है क्लियर अगर बात करें आयो पैक रिकमेंडेशन की तो पैक रिकमेंड रिकमेंड्स द यूज ऑफ टर्म रेजिस्टिविटी ओवर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आयु पैक ने जो आपका रजिस्टिविटी टर्म है उसको स्पेसिफिक रजिस्टेंस के टर्म में भी यूज़ किया है नेक्स्ट देखो अगर बात करें फिजिकल टर्म की तो रजिस्टिविटी आपके किसी भी सब्सटेंस की किसके बराबर होती है द रजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स रजिस्टेंस वैन इट इज वन मीटर लॉन्ग

दूसरा है ओ, ओम ओम सेंटीमीटर आपके के ओम मीटर के बराबर होगा हमें पता है ना मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर से इसीलिए आपके वन ओम मीटर में ज्यादा सेंटीमीटर है जबकि सेंटीमीटर में कम मीटर है राइट नेक्स्ट देखो ऑफ़ रेजिस्टेंस। uh, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस आर की तो गाइस ये किसके बराबर होता है, ये आपका है. क्या है? है जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं फॉर्मूला तो क्या होगा जी इज कल टू वन ओवर आर सॉरी एल ओवर आर क्या होगा जी इज कल टू एल ओवर आर तो आपकी वैल्यू एल है ना ओवर रो एल क्योंकि आपने आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है ना तो गाइज अगर हम इधर ध्यान से देखो वन ओवर रो को के से रिप्रेजेंट करें जिसे हम बोलते हैं कप्पा क्या बोलते हैं कप्पा कप्पा से रिप्रेजेंट करें तो आपका जी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी जी इज टू तो कप्पा ए ओवर एल के बराबर आ जाएगी एस आई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेंट तो अगर हम कंडक्टेंस की एस आई यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है सीमेंट ठीक है क्या होती है सेमेंस होती है रिप्रेजेंट बाय द सिंबल कैपिटल एस और इसे हम कैपिटल एस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज इक्वल टू द मोह इनवर्स और गाइस इसे हम मोह इनवर्स से यानी कि ओम इनवर्स से भी शो करते हैं जिसको हम कहते हैं मोह क्या बोलते हैं मोह नेक्स्ट देखो द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी अगर आप रेजिस्टिविटी का इनवर्स निकाल दो यानी वन ओवर ओ निकाल दो तो गाइज ये क्या कहलाता है कंडक्टिविटी कहलाता है क्या कहलाता है कंडक्टिविटी कहलाता है और कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को आप कैसे शो करते हो एक सेकेंड कंडक्टिविटी या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इसको आप कैसे शो कर सकते हो गाइज ये आपके डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है वन ओवर किसके वन ओवर रो के और आपको पता है ये क्या होता है कप्पा होता है क्या होता है कप्पा है ना तो आप क्या लिख सकते हो कप्पा यानी कि इज प्रोपोर्शनल टू वन ओवर रो क्लियर ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी अब क्या हो जाएगी सिमेंट मीटर मीटर इनवर्स इनवर्स ठीक है बट क्वाइट ऑफ इन कपा इज एक्सप्रेस इन सीमेंट सेंटीमीटर इनवर्स इसको दो तरीके से आप यूज कर सकते हो इसकी यूनिट को पहला है सीमेंट मीटर इनवर्स और दूसरा है सीमेंट सेंटीमीटर इनवर्स क्लियर नेक्स्ट कंडक्टिविटी ऑफ सीमेंट मीटर इनवर्स बट क्वाइट ऑफ इन के एक्सप्रेस इन सीमेंट centimeter inverse. Clear? कंडक्टिविटी ऑफ अ मटीरियल इन सीमेंट मीटर इनवर्स इज इट्स कंडक्टेंस अगर हम बात करें कपा की किसी मटीरियल के कपा की तो ये आपके सीमेंट मीटर इन्वर्स में है तो इसका मतलब ये इसका कंडक्टेंस होगा कब होगा जब आपका वायर एक मीटर लंबा है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया एक मीटर स्क्वायर है तब आपकी कपा की वैल्यू किसके बराबर होगी क, क, आपके कपा की वैल्यू ही उसका कंडक्टेंस को शो करेगी क्लियर मतलब ये हुआ गाइस कि आपका वन सीमेंट सेंटीमीटर इनवर्स किसके बराबर होगा हंड्रेड सीमेंट सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होगा यानी कि एक सीमेंट्स की वैल्यू हंड्रेड और सेंटीमीटर के बीच में आप रिलेशन निकालोगे वहीं पर अगर आप मीटर और सेंटीमीटर के बीच में रिलेशन निकालोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी वन सीमेंट मीटर इनवर्स स्कवायर इजकल टू जीरो पॉइंट जीरो सेंटीमीटर इनवर्स अब गाइस एक टेबल दी हुई है क्या है द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सम सिलेक्टेड मटीरियल कुछ सिलेक्टेड मटेरियल की स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर आपको वैल्यू दी हुई है किस किस की गाइस सोडियम की कॉपर सिल्वर गोल्ड आयरन ग्रेफाइट एंड ग्लास एंड टेफ्लॉन इन सभी की आपको कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है यानी सीमेंट मीटर इनवर्स में इनकी वैल्यू दी है और दूसरी तरफ यस yes, हाँ सीमेंट मीटर में वैल्यू दी है और फिर कुछ आपके एक्वा सोल्यूशन की भी सीमेंट मीटर में इनवर्स में वैल्यू दी है तो एक चीज देखो सबसे ज्यादा हमारी वैल्यू किसकी है सिल्वर की कंडक्टिविटी है ठीक है किसकी सीमेंट मीटर इनवर्स में जैसे जैसे आपका मेटल इंसुलेशन की तरफ जा रहा है जैसे कि आपका ग्लास है टेफलॉन है इनकी वैल्यू बहुत कम हो रही है है ना क्या हो रही है इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत कम हो रही है इसी तरीके से सॉल्यूशन में देखो आपकी वैल्यूज काफी है जबकि सेमी कंडक्टर्स की अगर बात करें तो गाइज इनकी वैल्यू कम हो रही है क्लियर नेक्स्ट देखो हमने टेबल में क्या देखा कि जो आपके मैगन्यूट मैग्नीट्यूड है कंडक्टिविटी का वो वेरी कर रहा है

कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, जो हमारे मटेरियल होते हैं वो तीन तरीके से क्लासिफाइड किए जाते हैं कंडक्टर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर और, सेमी और गाइस अगर बात करें इनकी मैगनी मैग्नीट्यूड की या फिर कंडक्टिविटी मैग्नीट्यूड की वो किस पर डिपेंड करती है गाइस इसकी जो कंडक्टिविटी होती है मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी होती है वो मेटल पर एलाय पर आ, या फिर आपके किस तरीके का आपके, आपके मटेरियल का नेचर है उस पर डिपेंड करती है ठीक है एंड देयर अलाय है वेरी लार्ज कंडक्टिविटी जो आपके मेटल है और उनके जो अलाय हैं वो अपनी कंडक्टिविटी बहुत लार्ज रखते हैं इसीलिए गाइज़ ये हैं। ये कंडक्टर्स कंडक्टर्स कहलाते कहलाते हैं। हैं, इसीलिए जबकि इंसुलेटर और सेमी बहुत कम कंडक्टिविटी को शो करते हैं सर्टेन नॉन मेटल लाइक कार्बन ब्लैक ग्रेफाइट एंड सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स ऑल आर सो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर्स कंडक्टिंग्स जो आपके बहुत सारे कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं जैसे कि कार्बन ब्लैक हो गया रिफाइड हो गया कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि आपका पॉलीमर हो गया ये भी आपके इलेक्ट्रिकली कंडक्टर्स होते हैं बात करें कुछ ऐसे सब्सटेंस की जो कि आपके इंसुलेटर हैं वो बहुत कम अपनी कंडक्टिविटी को शो करते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्लास सेरामिक्स ई टी सी है वेरी लो कंडक्टिविटी आर नोन एज इंसुलेटर्स क्लियर नेक्स्ट देखो सब्सटेंस लाइक सिलीकन सिलिकन, गैलियम आर्सिनाइड हैविंग कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर सेमी कंडक्टर मतलब दोनों के बीच की कंडक्टिविटी राइट और कॉल्ड सेमी कंडक्टर एंड इम्पोर्टेंस इंपॉर्टेंट एट इलेक्ट्रॉनिक मटीरियल और जो हमारे सेमी कंडक्टर्स होते हैं वो किसमें इंपॉर्टेंट होते हैं गाय इलेक्ट्रॉनिक मटीरियल को के फॉर्मेशन में भी इनको यूज किया जाता है सर्टेन मटीरियल लाइक सुपर कंडक्टर्स बाय डेफिनेशन हैव जीरो रेजिस्टिविटी चर जो हमारे superconductors होते हैं, ये zero resistivity रखते हैं। ये रखते इसका मतलब इनकी जो जो होती होती है, वो, infinite होती है। वो आपके मेटल होते हैं और इनके एलॉय होते हैं वो बहुत कम अपना टेम्परेचर रखते हैं और ऐसे इनके बिहेव में ये सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं ठीक है इस वेव में क्या कहलाते हैं सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं बट नाउ डेज अ नंबर ऑफ सैरेमिक मटीरियल्स एंड मिक्सड ऑक्साइड्स आर नोन एज शो सुपर जो आपके कुछ सिरेमिक मटेरियल्स हैं कुछ उनके ऑक्साइड्स हैं जो कि अपनी सुपर कंडक्टिविटी को शो कर रहे हैं कब एट अ टेम्परेचर एज हाई 150, 150 के 150 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर पर ये अपनी सुपर कंडक्टिविटी को शो कर रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है गाइस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस हमारे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होते हैं मेटल्स uh, में वो क्या कहलाते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कहलाते हैं और इनका जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो किस पर डिपेंड करता है द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड ऑन दो चीजों पे तीन चीजों पे चार चीजों पे किस पर डिपेंड करता है चलो एक एक करके समझते हैं पहला तो नेचर पर है ना जो आपका मेटल का नेचर है उस पर दूसरा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर कि इस पर कितने आपके ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके मूव कर सकते हैं और टेम्परेचर पर प्रेशर पर यानी कि अंडर सर्टेन कंडीशंस पर तो चलिए देख लेते हैं वो कौन-कौन से आपके इलेक्ट्रॉनिक uh, कंडीशंस uh, हैं जिस पर आपका कंडक्टेंस डिपेंड करेगा पहला है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल दूसरा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम तीसरा टेम्परेचर। इट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेंपरेचर ये घटता जाता है जैसे-जैसे आपका टेंपरेचर बढ़ता जाता है नेक्स्ट देखो वेन इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व इन वॉटर जब इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिजोल्व किया जाता है दे फर्निशेज देयर ओन आयन ये अपने ओन आयन को बनाते हैं ऑफ कोर्स जब आप इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या होगा ये अपने आयन में यू नो हो जाएंगे या फिर उनके कॉन्स्टिटेंट आय निकल के आएंगे सोल्यूशन में है ना हैज इट्स कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज इसका मतलब ये है जितना ज्यादा आय उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी इसका मतलब इनकी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ जाती है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट कंडक्टेंस है वो क्या होगा सॉल्यूशन uh, में किसके थ्रू प्रेजेंट किया जा रहा है अगर सॉल्यूशन में आयन है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्टेंस को शो करेंगे और ये गाइस अपने इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टेंस कहलाते हैं क्या कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस कहलाते हैं नेक्स्ट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन uh, है जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है गाइस देखते हैं पहला है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड किस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट को सोल्यूशन में एड किया गया है दूसरा साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस एंड देर सोल्यूशन किस तरीके के आयन किस साइज के आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं जब उनका सोलेशन किया जा रहा है

वी नो दैट एक्यूरेट अब बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी की किसकी बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं वी नो दैट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एन अनोन रजिस्टेंस कैन बी परफॉर्म इन अ व्हीट स्टोन ब्रिज अगर हमें किसी अननोन रेजिस्टेंस को निकालना है तो उसके लिए हम लोग वीट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे पासिंग डायरेक्ट करें डीसी को हम लोग पास करेंगे The of solution, जिससे आपके सॉल्यूशन के कंपोजिशन का पता चलेगा जैसे कि आपका मेटेलिक डिफिकल्टी इज रिजोल्ड बाई यूजिंग अल्टरनेट करेंट ए सी ए सी का यूज करके हम इसके प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे एंड फिर नेक्स्ट आपकी क्या आएगी आप सुनो, Second क्या आएगी? आएगी कि जब इसमें से मेटल को निकाल दोगे यानी कि आपका जो भी आयन या फिर जो भी आपका वायर जो मेटेलिक था और ब्रीड स्टोन ब्रिज में रेजिस्टिविटी को शो नहीं कर पा रहा था हम उसको निकाल देंगे ठीक है हम उसको निकाल देंगे क्यों निकाल देंगे क्योंकि वो अपने सॉलिड कंडक्टर में रेजिस्टिविटी को शो नहीं कर रहा है और इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डीसी की जगह एसी सोर्स ऑफ पावर लगा देंगे क्या करेंगे एसी सोर्स ऑफ पावर लगा देंगे नेक्स्ट सेकेंड प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय द यूजिंग स्पेशली डिजाइन बेसिल कॉल्ड कंडक्टिविटी सेल जो आपकी सेकेंड प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिविटी सेल नेक्स्ट है इट इज एवेलेबल इन सेवरल डिजाइन एंड टू सैंपल वन आर शोन इन फिगर ये आपके दो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन में आप अवेलेबल है अब इसके uh, इस सैंपल इस को हम किस तरीके से शो कर सकते हैं देखो जरा गाइज ये आपके सपास में एक यूनो प्लेटिनाइज इलेक्ट्रोड है जिसमें देखो ये आपका ट्यूब जिसके अंदर एक आपका प्लेटेट्रोड इलेक्ट्रोड पर हमने क्या करा? वायर को कनेक्ट किया मतलब ब्रिज होगा जिसको कि आप यहाँ पर कनेक्ट करोगे तो ये दोनों आपके इसके कनेक्टिंग वायर्स हैं अब गाइज एक फॉर्मूला समझो ये आपकी लेंथ है ये इसका सेक्शन एरिया है यानी कि आप रो आसानी से देख सकते हो रो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो जी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो राइट आगे देखना कैसे करेंगे बेसिकली वी कंसिस्ट ऑफ टू प्लैटिनम कोटेड विद द प्लैटिनम ब्लैक अब जो आपके मेटल्स uh, जो आपके सॉलिड की रेजिस्टिविटी को रिकॉग्नाइज uh, नहीं कर पा रहे थे उनको रिप्लेस करके हमने क्या किया प्लैटिनम ब्लैक के वायर ले लिया और उनको ऐड कर दिया फाइनली डिवाइडेड मेटल प्लेटिनम डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोकेमिकली uh, तो क्या होगा जो आपका प्लेटिनम होगा वो प्रॉपरली मेटेलिक इलेक्ट्रोड में डिसॉल्व प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाएगा या फिर प्रॉपरली डिपॉजिट uh, हो जाएगा मतलब कनेक्ट हो जाएगा और आप आसानी से uh, उस ब्रिज से रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट कर पाओगे देखो दीज हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू ए एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल दीज आर

क्या आ गया आ रो ओवर ए तो ये क्या जाएगा R is to L kappa A. क्या आ जाएगा एल कपा ए अब गाइस हमको पता है कि ओवर ए क्या होगा ये आपका सेल कांस्टेंट होगा जिसे हम जी स्टार से, से? से डोनेट कर सकते हैं किससे जी स्टार से डोनेट कर सकते हैं राइट इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए शन लेंथ इन वर्स कैन बी कैलकुलेटेड इफ वी नो एल ओवर ए अगर हमें एल और ए का वैल्यू पता है तो गाइज आर निकाल सकते हो और आप चाहो तो क्या लिख सकते हो आर जी ओवर के ये भी लिख सकते हो राइट right? नेक्स्ट देखो मीजरमेंट ऑफ एल एंड ए इज नॉट ओनली इनकनवीनियंट बट ऑल्सो अनरिला अगर आपको एल और ए की वैल्यू निकालनी तो ये इनकनवीनियंट तो होगी होगी साथ में आपके लिए अनरिलायबल ही है तो सीधे क्या करना है एल ओवर ए की जगह जी स्टार की वैल्यू निकालनी है क्या करना है जी स्टार कैलकुलेट करना है तो गाइज द सेल कॉन्स्टेंट इज डिटरमाइंड बाई मेजरिंग जब आप रजिस्टेंस को मेजर करोगे तो आप सेल कॉन्स्टेंट को निकाल सकते हो और ये जो आपका सेल है वो क्या रखता है सॉल्यूशन को रखता है जिसका आपको क्या निकालना है कंडक्टिविटी को निकालना है यानी कि जी स्टार को निकालना है अब इस परपज के लिए जनरली गाइस हम क्या करते हैं उस ट्यूब में केसीएल सॉल्यूशन को भरते हैं क्या करते हैं केसीएल सॉल्यूशन को भरते हैं क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी हम लोग को ऑलरेडी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर पता है ठीक है एट ए डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर ये देखो ये आपका के सॉल्यूशन है जिसकी मोलर कंडक्टिविटी हमको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर यहाँ दी गई है ठीक है तो गाइस देखो कंसंट्रेशन मोलैरिटी कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ये आपको किसके दी गई है के की जिस, जिसको कि हम लोग इस ट्यूब में फिलअप करते हैं इसके ट्यूब में फिलअप करते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं uh, अब देखो वंस द सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड जैसे आपको सेल कांस्टेंट का पता चलेगा हम क्या करेंगे गाइस अब हम लोग रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को मेजर करेंगे किसी भी सॉल्यूशन के लिए कैसे करेंगे इसके लिए ये है आपका सेटअप जिसे हम बोलते हैं वीट स्टोन ब्रिज क्या बोलते हैं वीट स्टोन ब्रिज तो गाइज इसमें आपका एक कंडक्टिविटी सेल है जो कि आर है यहाँ पर आपका यू नो अमीटर वोल्ट मीटर लगा दिया गया है जो कि डिटेक्ट करेगा सुई को कि किधर की कि तरफ जा रही है क्या आपकी व्हीट स्टोन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ जैसे आप लोग क्लास ट्वेल्थ में ग्रेजुएशन में इसका आप एक्सपेरिमेंट करोगे अब देखो ये दोनों आपके इक्वल रहते हैं ये दोनों आपके इक्वल रहते हैं और आपका वीट स्टोन uh, कहना चाहिए uh, बैलेंस्ड माना जाता है अब देखो इट कंसिस्ट टू रेजिस्टेंस आर थ्री और आर फोर ये अपने दो रेजिस्टेंस रखता है R3, और, कौन सा है? और एक जिसको हमें है, वो कौन सा है आर टू है तो गाइज व्हीट स्टोन ब्रिज को हम लोग किसके द्वारा फेट करते हैं एक ऑसिलेटर ओ के द्वारा फेट करते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी होती है पांच सौ पचास से पांच हजार साइकिल पर सेकेंड होती है ठीक है यहाँ पर आपका पी की अगर बात करें गाइस तो पी क्या है आपका एक सुटेबल डिटेक्टर है एक हेडफोन है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं इसके इसके बैलेंस को डिटेक्ट करते हैं एंड द ब्रिज इज बैलेंस वेन नो करेंट पास अगर आपका ब्रिज बैलेंस है तो इसका मतलब कोई भी करेंट पास नहीं होगा थ्रू द डिटेक्टर डिटेक्टर के थ्रू कोई भी करेंट पास नहीं होगा और उसकी सुई नहीं हिलेगी अब इस condition पे क्या होगा? होगा, आप कैसे निकालोगे? जब आपका आपका तो कर देंगे R3, तो ये आपका R2 R1, R4 upon R3 से हम लोग unknown resistance निकाल सकते हैं। वहीं पर अगर कंडक्टिविटी की बात करें किसी सोल्यूशन में तो गाइज आपके किसके बराबर होगा सेल कॉन्स्टेंट अपॉन आर के और सेल कॉन्स्टेंट आपके किसके बराबर होता है जी स्टार के जिसे हम बोलते हैं कंडक्टिविटी और अपॉन r तो कपा इज इक्वल टू g स्टार ओवर r और ये चीज मैंने आपको पहले ही निकाल के दिखा दिया देखो ये देखो है जी स्टार ओवर r अगर आप कपा इधर ले जाओ तो आपका क्या आ जाएगा जी स्टार ओवर r है ना तो ये तो मैंने आपको पहले ही करके दिखा दिया तो बस ये चीज आ गई अब देखो मोलर कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं गाइस मोलर कंडक्टिविटी आपके लैम्डा अह लैम्डा एंपेर डिपेंड करता है इट इज रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन बाय द इक्वेशन और ये आपके कंडक्टिविटी uh, पर डिपेंड करता है किस पर सोल्यूशन की कंडक्टिविटी पर डिपेंड करता है यानी कि मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम किसके बराबर होगी कप्पा ओवर सी के इक्वल होगी क्लियर वो कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद द ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा आपकी मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी दोनों में चेंज आता जाएगा कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे आपके कंसंट्रेशन में डिक्रीज कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी वैसे वैसे आपके कंसंट्रेशन में भी डिक्रीज आता जाएगा यानी कि आपका वीक ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वीक इलेक्ट्रोलाइट है दोनों के लिए ही ये आपका टर्म एप्लीकेबल होगा ठीक है इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करेंट इन सोल्यूशन डिक्रीज इन डोल्यूशन हम क्या कर सकते हैं अब हम उस फैक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसमें आपके पर यूनिट वॉल्यूम पर आपके जो आयंस हैं वो किसी सोल्यूशन द्वारा कैरी किए जाएं, है ना? किसी भी करेंट करेंट uh, में या फिर किसी भी सोल्यूशन uh, में कैरी किए जाएं वो किससे डिक्रीज होंगे इन सोल्यूशन डिक्रीजेस ड्यूशन वो आपके उस सोल्यूशन के डोल्यूशन को भी डिक्रीज करेंगे मतलब जितना ज़्यादा आपके नंबर ऑफ आयन कैरी होंगे जितना ज़्यादा करेंट आपका फ्लो होगा उतना ज़्यादा आपका डोल्यूशन डिक्रीज होगा अब देखो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट एनी गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम आपके किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होगी किसी गिवन कंसंट्रेशन पर वॉल्यूम के कंडक्टेंस के यू नो इक्वल होगी ठीक है ना कंडक्टेंस ऑफ वन यूनिट वॉल्यूम एक यूनिट वॉल्यूम की इक्वल होगी कैप्ट बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो कि आपके प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच में एट अ डिस्टेंस एल पर आपका मूव uh, कर रहा है राइट जो आपका कुछ इस तरह से डायग्राम था जिसमें एक ट्यूब थी जिसकी लेंथ एल थी जिसका क्रॉस-सेक्शन एरिया ए था ये उसकी बात हो रही है कि इसमें जो आपका प्लेटिनम वायर था उनके बीच में जो आपका सोल्यूशन का वॉल्यूम है इस सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है जब ये आपका फिलप्ड है तो जो आपके सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है हम उसकी बात कर रहे हैं वो किसके बराबर होगी वो यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल जाएगी किसके वन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल जाएगी यानी कि आपका एक इक्वेशन तो क्लियर है कि आपकी कंडक्टिविटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के और साथ में कपा के यानी कि जी आपके कपा के बराबर होगा बोथ एंड अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एल दोनों यूनिटी हैं तो इसका मतलब ये होगा गाइज कि आपकी कंडक्टिविटी और आपके कपा रेजिस्टिविटी दोनों इक्वल होगी नेक्स्ट है गाइस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ़ अ सॉल्यूशन गिवन कंसंट्रेशन किसी गिवन कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिव कंसंट्रेशन की बात की जाए तो वो आपके वॉल्यूम सॉल्यूशन uh, के वॉल्यूम के बराबर होगी यानी कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ गिवन कंसंट्रेशन दिए गए कंसंट्रेशन पर इज द कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम बी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वन मोल इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस तो करेगी जो कि आपके वन मोल इलेक्ट्रोलाइट को रखती है किसके बीच में बिटवीन टू इलेक्ट्रोड विद क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड डिस्टेंस एल ठीक है जिनकी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और डिस्टेंट यूनिट एल है यानी कि एक मीटर है तो ऐसे इलेक्ट्रोड के बीच में जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट है पर यूनिट वॉल्यूम उसको एक्सप्लेन करता है हमारा मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लैमडा एम किसके बराबर आ जाएगा कपा ए ओवर एल की यानी कि कप्पा ए के अगर आपकी एल की वैल्यू ए है एक है ए uh, की वैल्यू वी है वॉल्यूम कंडक्टिंग वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो आपका ए सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा उस वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा जिसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि v तो आपका लैम्डा m आ जाएगा kv नेक्स्ट नेक्स्ट है गाइस कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अब ये आपको ग्राफ दिखा रहा है किसके बीच में मोलर कंडक्टेंस वर्सेस सी c हा फॉर एसिटिक एसिड एंड पोटेशियम क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन ठीक है c हा और लैम्डा m के बीच में आपका ग्राफ दिखा रहा है क्या है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंडक् कंसंट्रेशन जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा लैमडा एम बढ़ता जाएगा एम बढ़ता जाएगा ठीक है दिस इज बिकॉज द टोटल वॉल्यूम वी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो टोटल सोल्यूशन uh, है वो सिर्फ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को रख रहा है और इस जो कि आपका इंक्रीज होता जा रहा है कंसंट्रेशन बढ़ रहा है कम हो रहा है आपकी मोलर uh, कंडक्टिविटी बढ़ रही है और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स भी बढ़ रहे हैं ठीक है इट हैज बीन फाउंड दैट डिक्रीज इन एक्स हमने क्या देखा कि अगर आपके एक्स की वैल्यू डाइल्यूशन पर कम हो रही है फिर कपा की वैल्यू डाइल्यूशन पर कम हो रही है किसी सॉल्यूशन के लिए इज मोर देन कंपेयर कंपनसेटेड बाई इंक्रीज इन इट सोल्यूशन तो इसे हम कैसे कंपनसेट कर सकते हैं जब इसका सोल्यूशन के वॉल्यूम को बढ़ा दें अब इस डायग्राम को समझो ये है हमारा हाफ सी टू किसके लिए एसिटिक एसिड के लिए ये हमारा क्या है लेमडा एम क्या है लेमडा एम अब गाइस देखो जैसे जैसे और यह आपके के सी एल की वैल्यू है क्लियर तो के तो हमारा सॉल्यूशन भरा हुआ था उस ट्यूब के अंदर तो ये तो आपके जनरल रहेगी उसके हमने एसिडिक एसिड के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाला तो गाइज हमको है आपका क्या होता स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट और जबकि ये आपका होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना यही तो होता है तो मतलब क्या हुआ कि गाइस जैसे जैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़े वॉल्यूम बढ़ेगा आप आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ेंगे ठीक है सेकंड आप दूसरी चीज ये सब बोल सकते हो कि जैसे जैसे आपके लेमडा वैल्यू की लेमडा एम की वैल्यू बढ़ेगी आपका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा क्लियर तो अब देखो कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो जब आपका कॉन्सेंट्रेशन जीरो पर जा रहा है इसका मतलब जो आपके मोलर कंडक्टिविटी है वो किससे जानी जाएगी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और इसको हम लेमडा एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है वेरिएशन ऑफ लेमडा एम विद द कॉन्सेंट्रेशन इज डिफरेंट जो आपका वेरिएशन है लेमडा एम का कॉन्सेंट्रेशन के साथ में अगर गाइज वो डिफरेंट है किसके लिए स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देख पा रहे हो के सी एल का बढ़ रहा है और इसका कम हो रहा है क्लियर ठीक है केसीएल का बढ़ रहा है और इसका कम हो रहा है ठीक है नेक्स्ट देखो अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इनक्रीज स्लोली

चर डिपेंड ऑन दफ इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे कॉन्स्टेंट ए है किसी भी सोलवेंट के लिए या फिर जो टेम्परेचर है वो किस पर डिपेंड करेगा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर जो कि वो सोल्यूशन में प्रजेंट है डेट इज द चार्ज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन प्रोड्यूस डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सोलूशन इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके कटाइन एनाइन है वो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन सोल्यूशन में कर रहे होंगे इस वजह से आपका एन एस सी एस सी एल टू एम जी एस की अगर बात की जाए तो गाइज ये वन वन टू वन टू टू इलेक्ट्रो के रूप में जाने जाएंगे क्लियर ऑल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप हैव लैमडा एम वैल्यू फॉर ए तो जो आपकी किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू की अगर बात करें तो वो आपकी लेमडा एम की वैल्यू किसी भी ए के लिए इक्वल होगी या फिर कह सकते हैं सभी इलेक्ट्रोलाइट के लिए किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइट की जो आपकी लेमडा एम वैल्यू होगी वो ए के लिए होगी राइट ए क्या है ये आपका क्रॉस सेक्शन टाइप है अब बात कर लेते हैं कौलाश लॉ की इन्होंने क्या किया लेमडा एम की वैल्यू को किसके लिए दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और ऑब्जर्व किया सर्टेन रेगुलरिटीज में उन्होंने क्या नोटिस किया कि अगर आपके लेमडा एम की वैल्यू में इलेक्ट्रोलाइट्स के लेमडा एम की वैल्यू में डिफरेंस आता है ठीक है तो आपकी जैसे मान लो आपका एक इलेक्ट्रोलाइट एन ए एक्स और के एक्स इनके इनके बीच में अगर आपने डिफरेंस निकाला इलेक्ट्रोलाइट्स का तो वो आपके x x किसी किसी भी x के किसी भी के इक्वल होगा वैल्यू के नियरली कॉन्स्टेंट जाएगा एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल के लिए एट टू नाइनटी एट कैलविन पर जब हमने लेमडा नॉट के सी एल और लेमडा नॉट एनए सी एल का डिफरेंस निकाला वो किसके बराबर किसके बराबर है वो आपके किसी भी अनदर इलेक्ट्रोलाइट के इक्वल है जैसे कि KBR और NaBR के बी आर और एन ए बी आर के गाइज अगर बात करें के आई और एन की तो वो आपके स्लाइटली 23.24 सेंटीमीटर मोल इनवर्स के इक्वल है सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के इक्वल है इसका मतलब ये हुआ हमने क्या निकाला कि चाहे आपका लेमडा नॉट एम एन के लिए हो और एन का डिफरेंस हो या फिर एन ए बी आर और के बी आर और के सी एल के लेमडा एम का डिफरेंस हो वो आपका स्लाइटली इक्वल रहेगा किसके वन पॉइंट एट सीम्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स की ऑन द बेसिस ऑफ अब एबर्वेशन कोलोश ने क्या शो किया कि जो हमारे आयन का माइग्रेशन होता है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है और इस स्टेट से ये पता चलता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रजेंट एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपके मोलर कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट की किसी भी लिमिटेड इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें तो आपका जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी आपके इंडिविजुअल जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है के और उनके सम के इक्वल लिखी जा सकती है ठीक है ना इट कैन बी रिप्रेजेंट एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ केटाइन एंड आइन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इसका मतलब ये हुआ कि गाइज एन के लिए क्या लिखोगे लेमडा नॉट एन ए नॉट सी राइट आ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन सोडियम एंड क्लोराइड आयन रेस्पेक्टिवली इसका मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सोडियम क्लोराइड के लिए कैसे लिखी जाएगी लेमडा नॉट एम एन ए सी एल एन ए नॉट एन और लेमडा नॉट सी और अगर बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो गाइस इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी आपकी किसके बराबर होगी एट द कॉन्सेंट्रेशन सी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम यानी कि आपकी अल्फा की वैल्यू किसके बराबर जाएगी लेमडा एम ओवर लेमडा एम लेमडा नॉट एम के ठीक है अब गाइस अगर वीक कंडक्टेंस किसी किसी वीक सॉल्यूशन के लिए या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालें तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा तो आपने इनिशियल और माइन इनिशियल स्टेट में निकालोगे एक पर्टिकुलर टाइम पर फिर एक टाइम के बाद निकालोगे जो कि आपका किसके बराबर होगा के सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस ए जो कि हमने इकली बिर वाले चैप्टर में पढ़ा है ठीक है इससे अल्फा की वैल्यू आपने रख दी लेमडा एम का स्क्वायर ओवर लेमडा नॉट एम ये हमको पता है वन माइनस ए की वैल्यू हमको पता ही है वन माइनस अल्फा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू आपने लगा दी यहाँ पे ठीक है तो आपका सिंपल सॉल्व करने पर क्या आया सी लेमडा एम स्क्वायर ओवर लेमडा नॉट एम लेमडा नॉट एम माइनस लेमडा एम ये की आपकी वीक इलेक्ट्रोलाइट uh, के लिए के uh, की वैल्यू हो गई अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रॉश लॉ क्रॉश लॉ की एप्लीकेशन क्या है बाई दिस लॉ ऑफ डिपेंडेंस माइग्रेशन ऑफ आयन ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट इसमें जो आयंस होते हैं कंप्लीटली उनका माइग्रेशन इंडिपेंडेंट होता है और इससे हम क्या निकाल सकते हैं लेमडा एम को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर लैमडा नॉट एम एज इंडिविजुअल आयन नेक्स्ट

तो गाइज ये थे हमारे कॉश लॉ के एप्लीकेशन अब चलिए तो गाइस यहाँ पर हमारा सेशन खत्म होता है जिसमें कि हम लोगों ने कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और उससे रिलेटेड सभी टर्म्स को समझा साथ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा नेक्स्ट सेशन में कुछ और बहुत बेहतर पढ़ेंगे तो गाइस अभी के लिए बस इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग